का नाम लिया और पंछी हाजिर जोड़ा था, एक उड़ गया शायद। अब मैं इनके लिए पानी रख सकती हूँ, इनको दाना डाल सकती हूँ। उड़ गया देखो, हाँ देखो अभी जोड़ा है, वो अपने जोड़े के पास उड़ के गया है। देखा आपने कितना सुंदर लगता है। ये भी एक जोड़ा, पता नहीं दोनों ने शादी की है नहीं की है, लेकिन जोड़ा है। और वहाँ एक जोड़ा बैठा है दीवार पे। कितनी मज़े की बात है, कल खिड़की को ठीक करने वाला आया था, किचन की खिड़की बिठा के गया, और मुझे लगा फिर ये चांस नहीं मिलेगा, तो मैंने उसको क्या किया कि यहाँ पे एक बड़ा घड़ी, वॉच, दीवार की घड़ी होती ना, वो लगाने के लिए वहाँ पे जो है एक कीला ठोक दिया। तो मुझे लगा अब घड़ी यहाँ पे लगेगी, बट देखो जो आता है ना वो खुद प्लान करके आता है, तो श्री कृष्ण ने खुद ही प्लान किया कि वो कहाँ पे उनकी फ़ोटो रखी जाएगी। एक सेम सिचुएशन हुआ था शिरडी में, मेरी एक तुलजा भवानी की जो है बहुत बड़ी फ़ोटो थी मेरे पास, बहुत सुंदर है और मेरे बेडरूम में है अभी भी नीचे। तो मैं सोचती थी कि क्या मैं इसको शिरडी में लेकर आऊं, क्योंकि शिरडी में किसी भी दीवार को जो है किला नहीं था, तो मैं इसको रखूंगी कहाँ पे, और जो है कोई रैक नहीं था, कुछ नहीं था, और जो है जिन दिनों में छूना नहीं चाहिए फिर वो दिनों में छूने का काम पड़ जाएगा, ऐसा मैंने सोचा। तो अच्छा है कि घर में जो है, क्योंकि वो कड़क देवी रहती है ना, तो मैंने सोचा अच्छा है वो घर पे ही रहे। तो अमेजिंग, मैं बताती हूँ, मैं झूठ नहीं बोलती, आप विश्वास नहीं करोगे, और मैंने खुद भी, मुझे बहुत मतलब विश्वास ही नहीं हुआ कि ऐसा भी हो सकता है, और हुआ ऐसा। तो मैंने वो प्लान कैंसिल किया कि जो है देवी की फ़ोटो यहाँ पर नहीं आएगी, और मैं सो गई। सो जाते ही सुबह जैसे ही मेरी आँख खुली और मैंने जो है जो यहाँ पे समझो ईस्ट है, तो यहाँ पे मेरा एक छोटा सा टेबल रहता था जहाँ भगवान मैं रखती थी, और यहाँ की दीवार समझ लो, तो उस दीवार पे मेरी नज़र गई और मैंने देखा वहाँ पे। सुबह जब मेरी दीवार पे नज़र गई, उठते ही पहली नज़र गई और मैंने दीवार पे देखा कि पूरी ना गोल्डन रोशनी फैली हुई है, और उसमें जो है तुलजा भवानी मुझे दिख रही है। देखो कोई भी अच्छी बात बताओ आवाज़ आ जाती है, स्टॉप हो गई आवाज़। तो मैंने ना सुबह देखा, जैसे ही आँख मेरी खुली, पूरी दीवार पे गोल्डन रोशनी थी, बहुत अच्छी प्यारी सी रोशनी थी, और उसमें तुलजा भवानी साक्षात मुझे दिखाई दी, जैसी तुलजापुर में होती है ना, बहुत बड़ी दिखाई दी। और मैं एक दो सेकंड के लिए मैं देखती ही रह गई कि ऐसा कैसे हो सकता है, कहीं ये सुबह सुबह मेरी आँखों को कुछ अलग तो नहीं दिख रहा। तो सचमुच तुलजा भवानी थी, और मैं उठ के खड़ी हो गई कि ये क्या चमत्कार है, ये सोच के। तो मैं जैसे ही उठ के खड़ी हुई, और समझो यहाँ पे उनके पैर आते होंगे, तो वो गायब हो गई। और मैंने देखा कि यहाँ पे तो एक छोटा सा कीला है, मतलब यहाँ का एक टेबल रखा हुआ था और यहाँ पे जो था एक कीला था। तो मुझे समझ में आया कि वो जो फ़ोटो है मेरे घर में तुलजा भवानी की, वो इस कीले को जो है मैं टांग सकती हूँ। तो ये सचमुच जो है शिव शक्ति जो एक साथ जब होते हैं, कहते हैं कि जब ट्विन फ्लेम्स जहाँ पे एक साथ हो, वहाँ पे अगर कोई महामारी भी आए तो वो स्टॉप हो जाती है, मतलब कोई भी भयानक संकट अगर वहाँ पे आए तो वो स्टॉप हो जाता है। इसीलिए शायद ये युद्ध हो रहा है, महामारी हो रही है, उसी टाइम पे जो है ट्विन फ्लेम्स की जो है अवेकनिंग करवाई गई है, ताकि उनकी जो शक्तियाँ है अब जागृत करके उसका फ़ायदा जो है दुनिया को हो सके। तो बहुत सारे ट्विन फ्लेम्स जो एक साथ हैं, उनकी जो पावर और भी बढ़ जाती है, तो उसका फ़ायदा जो होता है वो वाइब्रेशन से जो है धरती हील होती है, उसकी जो है कमी पूरी होती है, और वो जगह बहुत पीसफुल, शांति से रहती है। और अब सब हंसेंगे, लेकिन ये ट्रू है, ये सिद्ध हो चुका है, और जितने भी ट्विन फ्लेम्स हैं ये भी इस चीज़ को मानेंगे। और मुझे याद है अब मैं एग्जांपल देती हूँ,
देखो औरंगाबाद शिरडी से कितना दूर है, फिर भी जो है औरंगाबाद में 4 पेशेंट पाए गए थे कोरोना के 2020 में, और शिरडी में जहाँ दुनिया से लोग आते हैं, पूरी दुनिया से लोग आते हैं, दिल्ली से आते हैं, यहाँ से आते हैं, वहाँ से आते हैं, वहाँ कोरोना का एक भी पेशेंट नहीं था, क्योंकि वहाँ पे 10 फ्लेम्स थे। सच्ची बात है, लोगों को हजम नहीं होती कभी, सच्ची बात समझ आए क्या? क्यों नहीं, पूरी दुनिया से अगर लोग वहाँ पे आए थे, एक पेशेंट भी क्यों नहीं वहाँ पे मिला? जबकि औरंगाबाद में तो आते हैं दुनिया से लोग, बट ज़्यादा लोग शिरडी में आते हैं, और शिरडी ऐसी जगह है जहाँ हर जाति धर्म और दुनिया के हर कोने का इंसान आता है, फिर वहाँ पे एक भी पेशेंट कोरोना का क्यों नहीं मिला 2020 में? और जैसे ही डिवाइन फेमिनाइन ने शिरडी छोड़ी, वहाँ पे भी जो है कोरोना के पेशेंट मिलने स्टार्ट हो गए। ये जो है ईगो में लोग मानेंगे नहीं, बट ये सत्य है।